अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज फिर गल्फ कंट्री की रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ। आइए बताते हैं कौन सी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंट्री की रिक्वायरमेंट निकली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि गल्फ के जॉब से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो बनाऊँ और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। शुक्रिया। आज जो कंपनी की रिक्वायरमेंट निकली हुई है, सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट निकले हुए। कंपनी का नाम बताते थे, बहुत फेमस कंपनी है, सब लोग जानता होगा। ये कंपनी का नाम है शाहपुर जी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। शाहपुर जी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, इसलिए आपको समटाइम प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बिफोर भी ऐसा हुआ है कि आप लोग वीडियो को शो से लेकर लास्ट तक वॉच नहीं करते, फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसमें ड्यूटी आवर्स क्या है, एज लिमिट क्या है, सब आप लोग को प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोग शो से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लेंगे 2-4 मिनट टाइम निकाल कर, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं शाहपुर जी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसमें क्या क्या कैटेगरीज की जॉब निकली हुई है। सबसे पहले इसमें जो जॉब निकली हुई है इलेक्ट्रिशियन की जॉब निकली हुई 200 आदमी का रिक्वायरमेंट है। इसकी सैलरी जो है 1100 स्टार्ट है, 1100 से लेकर 1200 प्लस 300 रियाल इसकी सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिशियन के 200 आदमी का रिक्वायरमेंट है। पाइप फिटर चाहिए, 200 आदमी का रिक्वायरमेंट इसमें भी निकला हुआ है। सेम सैलरी है, 1100 स्टार्ट है, 1100 से लेकर 1200 प्लस 300 रियाल इसकी भी सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है। डक्ट मैन चाहिए, 200 आदमी का रिक्वायरमेंट है, इसका भी 200 आदमी का रिक्वायरमेंट। सैलरी जो है वही सैलरी रेंज सेम है, 1100 से लेकर 1200 प्लस 300 रियाल इसमें सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है। इंसुलेटर चाहिए, 200 आदमी का रिक्वायरमेंट है, इसका भी सेम सैलरी है, 1200 से लेकर प्लस 300 रियाल इसकी भी सैलरी है। प्लम्बर चाहिए, 200 आदमी का रिक्वायरमेंट है, इसका भी सेम सैलरी है, 1100 से लेकर 1200 प्लस 300 कंपनी इसमें भी सैलरी आपको प्रोवाइड करती है। स्काफ फोल्डर चाहिए, 200 आदमी का रिक्वायरमेंट है, इसमें भी 1100 से स्टार्ट है, 1100 से लेकर 1200 प्लस 300 रियाल इसमें भी आपको कंपनी सैलरी प्रोवाइड करती है। ओके गाइस, एसी टेक्नीशियन चाहिए, एसी टेक्नीशियन के रिक्वायरमेंट निकली हुई है इसमें 100 आदमी का रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो है इसकी 1100 से लेकर 1200 प्लस 300 रियाल सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके गाइस, मैकेनिकल हेल्पर चाहिए, 300 आदमी का रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल हेल्पर का। ओके गाइस, जो सैलरी है सब कैटेगरीज के लिए सेम प्रोवाइड करती है, 1100 से स्टार्ट है, 1100 से लेकर 1200 प्लस 300 रियाल सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, और एक बात इसमें याद रखें, ओनली ए सी एन आर पासपोर्ट वाले बंदे ही अप्लाई करें इस जॉब के लिए। ओनली ए सी एन आर बंदे अप्लाई करें इस जॉब के लिए। एज लिमिट इसमें है 21 से लेकर 45 ईयर्स तक है। ओके, एज लिमिट है 21 से लेकर 45 ईयर्स तक है। कॉन्टैक्ट इसमें 2 ईयर्स का है। ओके, कॉन्टैक्ट 2 ईयर्स का है। रिटर्न बंदा हो या फ्रेशर हो, दोनों बहुत सारा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप शाहपुर जी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो इसका इंटरव्यू जो चलने वाला है, दिल्ली में इंटरव्यू चलेगा। इसका इंटरव्यू की डेट बता देता हूँ, 2 तारीख को चलेगा, अगस्त में 2 तारीख को अगस्त में चलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लेकर अगर आप शाहपुर जी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब के लिए आना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नंबर लेकर वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस, और 1 डे 2 डेज़ बिफोर विजिट कर लें, बायोडाटा सबमिट कर क्लाइंट इंटरव्यू देकर आसानी के साथ आप लोग आ सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूंगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रख के अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।